डीक्लटरिंग इज थेरेप्यूटिक, इसका क्या मतलब है? मोस्टली आप अपने घर में देखेंगे कि जब घर में चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमें ठीक करने का टाइम नहीं मिल रहा, ऐसा अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि टाइम ही नहीं मिलता, और घर की औरतें चीज़ों को यहाँ वहाँ अगर बिखरे भी हैं तो वो उसे छोड़ देती हैं कि भाई टाइम ही नहीं मिल रहा। बट ये टाइम का ना मिलना आपकी एनर्जी को कितना एक्सट्रैक्ट कर लेता है ये आपको नहीं पता। इसके पीछे के न्यूरोसाइंस को समझें कि जब चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं, डीक्लटर होती हैं, तो ये माइंड को एक संदेश देती हैं अनरिजॉल्व इश्यूज़ का, क्योंकि आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें जहाँ पर होनी चाहिए वो वहाँ पर है नहीं। तो ये न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ये आपकी एनर्जी को एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। एंड इसमें आप एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को समझें कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स का यानी कि नॉर्मल ह्यूमन बींग का एंड ब्रह्मांड का ये नेचर है एंट्रोपी यानी कि डिसऑर्डरनेस। तो एंट्रोपी यानी कि डिसऑर्डरनेस बिखराव बताता है टूटने को, यानी कि एनर्जी के डिग्रेडेशन को। तो अगर हम अपनी लाइफ में एनर्जी को इन्हांस करना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लाना चाहते हैं, तो हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होगा, यानी रिवर्स एंट्रोपी की तरफ जाना पड़ेगा। एंट्रोपी को आप इतना ही सा समझें कि कोई चीज़ खाना निकाल कर एक आटा अगर गूंद कर हम बाहर छोड़ दें तो वो फर्मेंट हो जाता है। दिस इज एंट्रोपी, दिस इज डिसऑर्डरनेस। लेकिन हम खाने को या आटे को प्रिजर्व करने के लिए, कुछ समय तक अच्छे से बचाए रखने के लिए हम उसे फ्रिज में रखते हैं, वो ज़्यादा दिनों तक अच्छा रहता है और वो डिग्रेड नहीं होता। हमने क्या किया, हमने एंट्रोपी को रिवर्स कर दिया। तो आप भी अपने घर में अगर चीज़ें डिक्लटर्ड हैं, यहाँ वहाँ बिखरी हैं, तो अपने कबर्ड को, जहाँ पे आप पढ़ती हैं, जो बेड है, उससे पहले ऑर्गेनाइज करें। आप देखेंगे कि अपने एनर्जी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इस पर एक बुक भी है, मेक योर बेड। कुछ लोग सुबह उठते हैं और बिस्तर को यूं ही छोड़ देते हैं कि इसी पर तो फिर दोबारा आना है, लेकिन ऐसी सोच बिल्कुल ना रखें। इस पर, इस बुक में साफ बताया गया है कि जब हम दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव विक्ट्री से करते हैं तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। तो आप जहां पर काम करते हैं, जो आपका डेस्क है, उसे ऑर्गेनाइज करें, अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज रखें, अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखें। आपने देखा होगा जितने भी बड़े लोग हैं, आप उनके घर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक एक चीज़ें जो जहां पर होनी चाहिए वहीं पर होती हैं, एंड ये उनके समृद्धि को दर्शाता है। तो आप भी अगर अपनी लाइफ में समृद्ध होना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर को ऑर्गेनाइज करें। आप जहाँ पर भी रहते हैं उस चीज़ को ऑर्गेनाइज रखें। आप ऑफिस में भी हैं तो अपने डेस्क को भी ऑर्गेनाइज करें। आप देखेंगे कि अपने लाइफ में, अपने माइंडसेट में आप पॉजिटिव चेंजेस पाएंगे। इस तरह से अपने माइंडसेट को भी ऑर्गेनाइज करें, जो फालतू के थॉट्स हैं उसे भी निकालें, उसे भी ऑर्गेनाइज करें, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस पाएंगे। होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।